अभी मेरे साथ फिक्की की प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी जी। संगीता रेड्डी जी से बात करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा बजट देखा, हम भी उनके साथ मौजूद थे, तो क्या कहती हैं बजट को लेकर? इंडस्ट्री के लिए द रिमूवल ऑफ डिविडेंड टैक्स इज अ गुड मूव। थोड़ा ओवरऑल व्हाट वी हैड बीन सेइंग टू स्पर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज द बिगेस्ट नीड। ये फिक्की ने हमेशा बोला है कि ग्रोथ आनी चाहिए, पूरा सेक्टर में स्लो चल रहा, जॉब्स नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो इनकम टैक्स स्लैब को कम करने से एक हाउस ज़्यादा हाउस होल्ड में दे विल हैव मोर मनी इन देयर हैंड्स। दिस मनी विल गो इनटू स्पेंडिंग, दिस स्पेंडिंग विल बूस्ट द इकोनॉमी। तो ये हमारा ओवरऑल पॉलिसी था कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुश अप द ग्रोथ फैक्टर, सो दिस बजट विल डू सम वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द फोकस ऑन एग्री, और एग्री में बहुत डीप पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, बट द ओवरऑल टारगेट ऑफ डबलिंग एवरी फार्मर्स इनकम एंड लुकिंग एट एग्री नॉट जस्ट एट फूड बट नॉन फूड प्रोडक्शन, नॉट जस्ट एट क्रॉप्स बट ऑल्सो एज डेयरी एंड फिशरी एंड लाइफ स्टॉक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेवल फोकसेज एंड वी बिलीव दैट दिस ऑल्सो विल ब्रिंग मनी इन टू द हैंड्स ऑफ रूरल इंडिया। हमारा एक सजेशन है कि जो पीएम किसान का स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आ रहे हैं, उसको ज़रा फ्रंट एंड करे, तो दैट विल ऑल्सो बी एन इनिशियल बूस्ट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन अ स्लो पीरियड ओवर द ईयर, ट्राई टू गिव इट अप फ्रंट विच विल हेल्प टू बूस्ट द इकोनॉमी। दिस इज बिन वन ऑफ फिक्कीज इम्पॉर्टेंट सजेशंस। वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू द फिनांस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर दैट मेनी सजेशंस गिवन बाई फिक्की हैव बिन इम्प्लीमेंटेड। वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम कंटिन्यूअसली टू कीप इम्प्रूविंग एंड वर्क फॉर द इकोनॉमी। हमारा एक ही बात है कि ये बजट इट empowers India, it empowers the individual. हर एक आदमी के लिए कुछ न कुछ है बजट में, और finally it empowers the industry.